अज राजपुरा नवी अनाज मंडी दे विच विधायका नीना मित्तल दे वल्लों सरकारी खरीद शुरू करवाई गई है अते इस मौके ते विशेष तौर ते मार्केट कमेटी दे सैकटरी जय विजय सिंह ते एसडीएम राजपुरा संजीव कुमार हाजर सन। इस मौके ते गलबात करदिआं विधायका नीना मित्तल ने कहा कि अज पहली ढेरी सरदार कश्मीर सिंह किसान उन्हां दी अज मंडी दे विच शुरू करवाई गई है। उन्हां कहा कि पंजाब दे मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान वल्लों आदेश जारी करदे होए कहा गया कि किसी भी किसान नूं परेशानी ना आउण दित्ती जावे। उन्हां कहा कि अनाज मंडी दे विच इक इक दाणा किसानां दा चुक्या जावेगा। उन्हां ए वी कहा कि किसानां दे लई पीण वाले पानी दा प्रबंध ते बैठण दे लई वी प्रबंध कीता गया अते किसी नूं वी परेशानी इस दौरान नहीं आवेगी। आओ तुहानूं सुणाउंदे हां इस मौके ते होर की कुछ कहना सी विधायका मैडम नीना मित्तल दा। अज साडे लई बड़ी खुशी दी गल है कि अज असीं पहली खरीद शुरुआत करवाई है। सरदार कश्मीर सिंह जी दी ढेरी तों शुरुआत होई है ते असीं इन्ना वादा करदे हां परमात्मा नूं हाजर नाजर रख के कि जिहड़े मेरे किसान भीर इन्नी मेहनत नाल पुत्तां वांगू फसल पालदे ने ते इन्हां नूं इक इक दाने दी इन्हां दी संभाल कीती जाऊगी, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। एसडीएम साहब नाल भी साडी सारी गलबात हो चुकी है, इन्हां नूं एक्टिवर किसी भी टाइप की कोई दिक्कत नहीं होगी। आम आदमी पार्टी ने साडे मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह मान जी ने स्पैशल हदायतां दित्तियां कि एक्टिवर मेरे किसान वीरां ये ना होवे मंडियां च रुलन, उन्हां दे इक इक दाने की कीमत उन्हां तक पहुंचे। मंडियां में सारे प्रबंध पूरे हो चुके हैं, नाल जे कहा जांदा वी छोटियां मंडियां हैगियां जिहड़ियां राजपुर दे विच पैंदियां नहीं, ऐसी कोई गल नहीं है। कमी अज पहली ढेरी आई है, जिथे कोई कमी रह है भी थोड़ी बहुती वह असी कल तक पूरी कर देंगे। बाकी असी पुख्ता इंतजाम कर दिते है, किसान वीरां दे बैठन लई टेंट लगाए गए है, पानी का इंतजाम किया गया है, बारदाने का पूरा इंतजाम किया गया, ट्रांसपोर्ट का इंतजाम किया गया, हर पक्षों असी सहूलत दी है। फिर भी मैं एक ही गल कहूँगी, जे साडे किसान वीरां नूं जां व्यापारी वीरां नूं कोई कमी लगती है सानू दसन, असी नाल दी नाल पूरी करांगे। किसानां नूं की संदेश देना चाहुंदे आ जी? मैं किसान वीरां नूं यही कहूँगी कि अपनी फसल जिवें तैयार हुंदी है जल्दी तों जल्दी मंडी च लैके आओ ते तुहाडी फसल दा पूरा मुल तुहानूं मिलेगा और जल्दी तुहाडी फसल संभाल के उहदी लिफ्टिंग भी कराई जाएगी। नहीं पानी दे मैं आंदे देखे टेंट लगे आ, रैबर पए ने, होर भी जिदा हो जिवें जिवें किसान भी होर आन लग जाएंगे तो होर उन्हां दी डिमांड दे अकॉर्डिंग हर चीज़ पूरी की जाऊ। पिछले दिनों सिविल अस्पताल दे विच जिहड़ी गुंडागर्दी दा नगा नाच होया, मैडम तुसीं की कार्रवाई कीती है? पुलिस वालों किन्ने अच्छा 6 बंदे फड़ ले है, रात डीएसपी साहब का फोन आया सी कि 6 बंदे फड़ रहे हैं और उन्हां ते पूरी कार्रवाई की जाऊगी। मैं इन्नी गल भी थोड़े माध्यम नाल कहनी हाँ, पहला चाहे कुछ भी हो गया गुंडागर्दी हुई राजपुरे विच असी माहौल खराब कदे भी नहीं होने देवांगे। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति कदे भी नहीं बिगड़ूगी, पुलिस पूरी मुस्तैद है, प्रशासन पूरा मुस्तैद है, राजपुरा शहर नूं असी खुशहाल शहर बनाएंगे। एसडीएम साहब खुद लगे हुए ने, इन्हां वल्लों भी ऑर्डर हो गए ने, साडी पार्टी दे वलंटियर्स भी जाके मैसेज दे रहे ने हाले मंडी वालियां नूं भी भाई तुसीं आपदा समान आपे चक के अंदर कर लो, क्योंकि जे एसडीएम साहब जां साडे वल्लों कोई कार्रवाई हुंदी है फिर लोकां च निराशा हुंदी है। पहला साडा फर्ज है उन्होंने एक मैसेज देना, वो मैसेज दे रहे हैं, बहुत जे कोई फिर भी नहीं सुधरूगा फिर उहदे वल्लों की कर रहे हो मार्केट देखोगे बहुत जल्दी मार्केट खुलियां हो जाएंगी। न्यूज 89 पंजाब के लिए राजपुरा तो पत्रकार मोहित कुमार की खास रिपोर्ट।